1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद यूक्रेन का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। आज प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए सक्रिय रोल निभाने का प्रस्ताव भी दिया। जेलेंस्की को दो टूक कहा कि वो युद्ध छोड़कर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करें ताकि यूक्रेन युद्ध की वजह से जल रही दुनिया को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब की पहुंचे तो सबकी नजरें इस बात पर थी कि वो जेलेंस्की को क्या संदेश देते हैं, शांति के लिए कौन सा सुझाव देते हैं जिससे दुनिया को राहत मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी कीव में कहा अब वो ग्लोबल हेडलाइन बन गया है। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया। भारत अगर शांति का प्रस्ताव लाए तो दुनिया का ध्यान देना बनता है। जिस तरह से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर जंग खत्म करवाने का भरोसा मानो प्रधानमंत्री ने दिया हो अब वो चर्चित तस्वीर बन गई है। दो टूक अंदाज में बात रखना प्रधानमंत्री का अंदाज है, इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 साल बाद जब वो कीव में जेलेंस्की के सामने थे तो बिना लाग लपेट उन्हें नसीहत दे डाली कि बिना समय गवाए शांति की बात करो। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जेलेंस्की को ये बात कहने से पहले पीएम मोदी ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद का भरोसा दिया। कीव पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आदर सत्कार की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि पीएम मोदी का जेलेंस्की ने कितनी गर्मजोशी से स्वागत किया। जेलेंस्की ने खुद हाथ बढ़ाकर पीएम मोदी का वेलकम किया और उन्हें गले लगाया। जेलेंस्की पहले हाथ मिलाते हैं और फिर पीएम मोदी को गले लगाते हैं। पीएम मोदी भी पीछे नहीं हटते। इसके बाद पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर मानो उन्हें जंग खत्म करवाने का भरोसा देते हुए दिखते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जेलेंस्की को याद दिलाया कि इसके लिए उन्हें शांति की टेबल पर पुतिन के सामने बैठना ही होगा। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। पिछले महीने पीएम मोदी का इसी तरह से गर्मजोशी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने स्वागत किया था, मोदी को गले लगाया था, उनके साथ दोस्ताना माहौल में बातचीत की थी। तब पीएम मोदी ने पुतिन को शांति के रास्ते पर चलने की वो बात कही थी जिसे कहने की हिम्मत सिर्फ भारत ही कर सकता है। इसका खास तौर पर जिक्र पीएम मोदी ने जेलेंस्की के साथ किया। याद दिलाए कि कैसे उन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डालकर शांति की बात कही थी। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। भारत लगातार रूस और यूक्रेन युद्ध को फौरन रोककर शांति की अपील कर रहा है। वो लगातार इस मामले को जल्द से जल्द शांत करवाने का पक्षधर है। इसीलिए पीएम मोदी की कीव यात्रा को दुनिया बहुत ध्यान से देख रही थी कि भारत क्या प्रस्ताव देता है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं अगर हम देखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की के साथ बैठ करके ये कहा कि मैंने पुतिन को भी बोला है कि युद्ध का नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि यू नो आप जेलेंस्की के साथ बैठ के आप कह रहे हैं मैंने पुतिन को ये बोला है, तो आप ये दिखा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर एक इंटरेस्टिंग बात कही जो बड़ी लॉजिकल है। उन्होंने कहा ये नहीं कि हम न्यूट्रल थे, हमारा पक्ष था और है। लेकिन इससे भी बड़ी बात पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिर में कही, जेलेंस्की को ऑफर दिया कि शांति की कोशिश में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में आपको विश्वास दिलाऊंगा।
रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत का रोल काफी अहम हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का तटस्थ रुख है। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों पक्ष भारत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। ऐसा भरोसा न तो चीन को हासिल है और न ही अमेरिकी खेमे के किसी भी देश को। अभी तक जितने लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है शांति की बहुतों ने बात करी, पर सबने अपने हिसाब से करी ना। नेटो और अमेरिका शांति की बात करता है, वो कहता है शांतियों पर मेरी शर्तों पे। इधर अमेरिका भी बात करता है मेरी रशिया मेरी शर्तों पे। चाइना भी बात करता है ये शांतियों पर, चाइना का भी एंटी अमेरिका एंगल है। यहां भारत जो कह रहा है वो कह रहा है कि लीडर्स के साथ, उन दोनों के साथ बैठ के, वहां पुतिन और इधर ज़ेलेंस्की के साथ बैठ के, कि आपको इस जंग के बजाय पीस का रास्ता देखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हम प्रोएक्टिव रोल प्ले करने को तैयार हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वन एंड सेकेंडली, देखिए इंडिया या कोई भी लीडर ऐसे ही नहीं कह देगा हम तैयार हैं। इसका मतलब पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, तो अब ज़ेलेंस्की या अमेरिका का इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमने पहल करके कहा कि हम रेडी हैं प्रोएक्टिव रोल प्ले करने को, राइट? अब वो हमें इन्वॉल्व करें, इनवाइट करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द भारत आना चाहते हैं और उनकी भी उम्मीद यही है कि कोई ठोस शांति प्रस्ताव जो आएगा उस पर शांति की दिशा में यूक्रेन भारत की मदद से आगे बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, भारत जो रूस से सस्ते में ईंधन खरीद रहा है उसका खामियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है, ये जंग और लंबी खिंचती चली जा रही है। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने भारत के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि वो भारत में शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ज़ेलेंस्की ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल उठाया। आज तक के सवाल का जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध रुक जाएगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारत को तेल खरीदने के विकल्प पर विचार करना चाहिए। Export possibilities for Russia closed, but India is open. We spoke about it with Prime Minister. Of course, it helps today for Russian army. You will stop import the oil. Putin will have huge challenges, huge challenges. The sword, I think it's a peace way or way to peace, yeah. ज़ेलेंस्की ने आज तक को बताया कि उन्होंने रूस से तेल खरीदने का मुद्दा बैठक में भी उठाया, हालांकि वो ये बता नहीं पाए कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा तो किससे खरीदेगा। ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के रूस के दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि जब मोदी मॉस्को में थे तो पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अस्पताल को निशाना बनाया था। सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखे। मेरी तरफ से शांति के हर प्रयास में सक्रिय योगदान की भूमिका के साथ आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत। भारत तबाह हो चुके यूक्रेन को एक बार फिर से दोबारा खुशहाल देखना चाहता है। इसके लिए वो एक कदम आगे बढ़कर रूस और यूक्रेन के बीच सक्रिय भूमिका भी निभाने को तैयार, वो भी तब जब ज़ेलेंस्की मोदी के रूस दौरे पर भड़क गए थे। पुतिन को गले लगाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना तक कर डाली थी। सवाल यह कि प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई आलोचना के बावजूद कीव क्यों गए? यूक्रेन युद्ध रुकने में भारत को बड़ा फायदा क्या है? हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम
न्यूट्रल नहीं थे, हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। पिछले महीने 8 तारीख की तस्वीर है ये, जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे से गले मिले थे। दोनों की गले लगने वाली तस्वीर देखकर जेलेंस्की ने निराशा जताते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा था। इससे बहुत अधिक निराशा हुई विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को एक ऐसे दिन पर मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जेलेंस्की की इस आलोचना को अनदेखा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया कि भारत युद्ध में न तो यूक्रेन का साथ देगा और न ही रूस का। कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक बयान से इस भरोसे को और ताकत दी। मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आज ये भी साफ किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से गले मिले तो उनका जो दर्द छलका वो गले मिलने की वजह से नहीं छलका था, वो दर्द इसलिए छलका क्योंकि यूक्रेन में बेगुनाह लोग मारे गए थे रूस की एक मिसाइल स्ट्राइक में। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की पहल पर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सकेगी, लेकिन ये शांति सम्मानजनक होनी चाहिए। कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के सम्मान के तौर पर उनकी याद में एक खिलौना भी रखा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहीद प्रदर्शनी में श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें भी साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैंने कीव में शहीद प्रदर्शनी में श्रद्धांजलि अर्पित की। संघर्ष छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी होता है। मेरी संवेदना उन बच्चों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपना दुख सहने की शक्ति मिले। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देकर आया और मेरा मन भरा हुआ है तब मैं आज आपसे शांति की और आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। इस तरह चाहे यूक्रेन की संप्रभुता की बात करना हो या फिर बच्चों को श्रद्धांजलि देना, भारत ने हर वो काम किया जो सही है। मोदी जी ने डिसाइड किया कि ये वक्त है, अब हमें इस पे आगे कदम बढ़ना है। टाइमिंग मेरे विचार से हमने चूज करी, हमें लगा इस वक्त हमें ग्लोबल थिएटर पे अपना कदम आगे रखना है इस मुद्दे को लेकर के। वन सेकेंडली, आपने जो जेलेंस्की की बात की, डेफिनेटली यस। देखिए एक चीज है, ये दिखाता है हमारा बड़प्पन भी दिखाता है कि आपने चाहे जो भी बोला हम आ रहे हैं, पर उसका रिवर्स मैं ये कहता हूँ, जेलेंस्की को थोड़ा बहुत शर्मिंदा होना चाहिए आज। अब सवाल ये है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सक्रिय रोल निभाने को तैयार क्यों है। इस सवाल का जवाब चीन है जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस के लिए अहम होता जा रहा है। हमारा बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है अगर ये शांति डील जब भी हो, ऑफ कोर्स उसमें बड़ी पेचीदा है, जैसे जनरल मिस्टर कह रहे हैं एक टाइमलाइन बाय द वे, इस पीस जो भी होगा प्रोसेस में होगा जनवरी जब अमेरिका में नया प्रेसिडेंट आएगा जो भी ट्रंप या हैरिस, उस समय शायद एक नई जान आएगी। परंतु बात एक ही, जब भी ये शांति होगी हमें फायदा, जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना ज्यादा रशिया चाइना के घेरे में जाता जाएगा। हमारा ये इंटरेस्ट है, डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन है, मानवता का है, हर चीज का है। हमें दुनिया में अपनी थॉट लीडरशिप भी लानी है, वर्ल्ड लीडरशिप भी दिखानी है, बट एक हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट बहुत सिवियर है। चीन और रूस किस कदर नजदीक आ रहे हैं उसका अंदाजा इस तस्वीर से भी लगाया जा सकता है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में शांति के प्रयासों में जुटे हुए थे तब रूस में चीन की सेना का एक बड़ा दल आया हुआ था, वहीं इसे एक दिन पहले चीन के प्रधानमंत्री मॉस्को आए थे। इस तरह रूस और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। चीन पर रूस की निर्भरता भी बढ़ती जा रही है और यही भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात। इसीलिए यूक्रेन युद्ध रुकना भारत के हित में है, शायद इसीलिए भारत के शांति प्रयास चीन को रास नहीं आ रहे। चीनी विशेषज्ञों ने दावा किया कि ये भारतीय प्रधानमंत्री का कदम केवल अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत
बढ़ते हुए संघर्ष को खत्म करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा। ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक प्रोफेसर ने लिखा, भारत के पास इस बार न तो ताकत और न ही प्रभाव जिससे वो मॉस्को और कीव के बीच मतभेद को इस समय कम कर सके। इसकी वजह यह है कि भारत का यूरोप में प्रभाव बहुत सीमित, साथ ही यूक्रेन रूस के इलाके में आक्रामक अभियान चलाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की संभावना भी कम हो गई है। इससे पहले रूस की तरफ से कहा गया था कि कुर्स्क में हमले के बाद अब यूक्रेन के साथ कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि युद्ध के मैदान में जेलेंस्की की सेना को पूरी तरह हरा नहीं दिया जाता। इस तरह यूक्रेन युद्ध का रुकना फिलहाल मुश्किल दिखता है, इसीलिए शांति के लिए भारत को इस तरह की लगातार कोशिशें करते रहना होगा। गौरव सावंत, कीव, आज तक।